प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सभी ग्रुप लीडर्स ध्यान से सुनिए, हमारी स्कूल एक एनजीओ के साथ मिलकर प्रोजेक्ट रोशनी नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। एक्सक्यूज मी मैम, ये प्रोजेक्ट रोशनी क्या है? समझाती हूँ। हमारे देश में कई ऐसे बच्चे हैं जो बचपन में किसी बीमारी की वजह से अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। उनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते कि वे अपने बच्चों की आँखों का इलाज करा सकें। हमारी स्कूल उन ज़रूरतमंद अनजनों की आँखों के ऑपरेशन के लिए डोनेशन जमा करना चाहती है, ताकि उन बच्चों की आँखों में हम रोशनी का रंग भर सकें और वो मासूम बच्चे भी आपकी तरफ पढ़ लिख सके और इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख सके। यही इस प्रोजेक्ट रोशनी का मकसद है। वाओ, कितना अच्छा और नेक प्रोजेक्ट है ना। मैम, मैं अपने येलो ग्रुप की तरफ से प्रॉमिस करता हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा डोनेशन जमा करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा अंधजनों की आंखों का ऑपरेशन हो सके। क्यों फ्रेंड्स, अब बोल दिया है तो देख लेंगे डप्पू। मैम, हमारा ग्रुप सबसे ज्यादा डोनेशन जमा करेगा। क्यों गाइस? टीचर, हमारा ग्रुप सबसे ज्यादा डोनेशन जमा करेगा। नहीं नहीं, हम लोग का ग्रुप सबसे ज्यादा डोनेशन जमा करेगा। नहीं नहीं, हम लोग का डोनेशन जमा करेगा। वेरी गुड स्टूडेंट, दैट्स द स्पिरिट, कीप इट अप। समाज का एक हिस्सा होने के नाते जरूरतमंदों को मदद करना हमारा फर्ज बनता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद यही है, आप लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज के साथ साथ समाज सेवा का जज्बा भी पैदा हो। अंधजनों के प्रति आप लोगों के दिलों में हमदर्दी और स्नेह देखकर हमें बहुत खुशी मिली है। इस प्रोजेक्ट रोशनी की आप सभी को एक कूपन बुक दी जाएगी, जिसका मिनिमम डोनेशन है 100 रुपए। लेकिन एक बात याद रहे कि डोनेशन मांगने से पहले आप सभी को इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताना होगा। उसके बाद अगर वो डोनेशन देना चाहे तो ठीक है, और अगर कोई डोनेशन ना दे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई किसी से जबरदस्ती डोनेशन नहीं लेगा। अंडरस्टैंड? Yes! और स्टूडेंट्स, एक खास बात, इस प्रोजेक्ट में जो सबसे ज्यादा डोनेशन कलेक्ट करेगा उस ग्रुप को फाइनल एग्जाम में 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। मतलब मेरे 10 मार्क तो पक्के हैं, मेरे भी। और उस ग्रुप को एक स्पेशल फंक्शन में स्कूल की तरफ से एक ट्रॉफी भी मिलेगी। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। और एक बात याद रखना, क्लास के बाद में अपने अपने कूपन्स कलेक्ट कर लेना, ओके? यस सर। हम लोग का ग्रुप सबसे ज्यादा डोनेशन जमा करेगा। नहीं नहीं, हम लोग ज्यादा डोनेशन जमा करेंगे। क्या डोनेशन डोनेशन कर रहे हो? मेरे डैडी को बोल के एक बड़ा चेक ले आऊंगा ना, सारे ग्रुप चेकमेट हो जाएंगे। रॉकी, येलो ग्रुप से जो टकराएगा वो वॉश आउट हो जाएगा। देखते हैं डब्बू कौन वॉश आउट होता है। चलो गैंग। सच में फ्रेंड्स, हमारी स्कूल ने ये प्रोजेक्ट रोशनी शुरू करके बहुत अच्छा काम किया है। हाँ,
फ्रेंड सोचो, इस प्रोजेक्ट की वजह से कितने जरूरतमंद अंधे बच्चे हमारी तरह इस खूबसूरत दुनिया को देख सकेंगे, है ना? हाँ डप्पू, हमें पूरी मेहनत करके इस प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा डोनेशन इकट्ठा करना है। करेक्ट पिंकू, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की आंखों को रोशनी मिल सके। सही बात है, और देखना हमारा येलो ग्रुप भी जीतेगा। होगी, तू इतनी देर से क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता वो टॉर्च क्यों यूज नहीं करते? ओए मजाक कर रहा हूँ, उन बच्चों के टॉर्च हम बनेंगे। और देखना टप्पू, हमारे येलो ग्रुप को ट्रॉफी मिलेगी। यस, अब जाकर जागा है पंजाब का शेर। मजाक कर रहा हूँ। फ्रेंड्स और एक बात सुन लो, ये काम हम किसी ट्रॉफी या मार्क्स के लिए नहीं कर रहे, और ना ही ये कोई कंपटीशन है, ये भलाई का काम है। और दादाजी हमेशा कहते हैं कि भलाई का काम हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। यस फ्रेंड्स, टप्पू सही कह रहा है, हमारे येलो ग्रुप को ट्रॉफी मिले ना मिले, पर हमें सबसे ज्यादा पैसे कलेक्ट करने हैं। करेक्ट सोनू, सोनू एकदम सही कह रही है। टप्पू ज्यादा से ज्यादा मतलब कितना डोनेशन? मेरे को टारगेट फिगर तो सेट करना पड़ेगा ना। कोहली, हमें कम से कम 25,000 रुपए जमा करने का टारगेट तो रखना ही चाहिए। टप्पू, पर 25,000 रुपए बहुत ज्यादा है। पिंकू, टप्पू ने एक बार टारगेट सेट कर लिया तो कर लिया। तो ठीक है, 25,000 रुपए का टारगेट फाइनल। ओए टप्पू, अरे क्यों ना अभी से हम लोग कलेक्शन शुरू कर दे। हाँ, ताकि तुझे होमवर्क ना करने का बहाना मिल जाए। क्यों? करेक्ट पिंकू। फ्रेंड्स, पहले हम लोग सभी अपना होमवर्क खत्म करते हैं और रात को कलेक्शन के लिए निकलते हैं। ओके, गुड आइडिया। रात को कलेक्शन के साथ साथ सबके घर अलग अलग डिशेज भी खाने को मिलेगी। अरे यार गोली, कलेक्शन के टॉपिक में खाने का टॉपिक कहाँ से आ गया? क्यों पिंकू, कलेक्शन के साथ खाना अलाउड नहीं है? गोली प्लीज। टप्पू ये बता, हमें कलेक्शन की शुरुआत किसके घर से करनी है? हम लोग कलेक्शन की शुरुआत मेरे घर से करेंगे। फ्रेंड्स, तुम लोग तैयार होकर रात को ठीक 9 बजे यही कंपाउंड में मिलना। ओके ओके। सो 3 चीयर्स फॉर प्रोजेक्ट रोशनी। हिप हिप हुररे, हिप हिप हुररे, हिप हिप हुररे। क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रहा है? वो दया ने इतने स्वादिष्ट दाल ढोकली बनाई कि थोड़ा ज्यादा ही खा लिया, तो चल के जरा हजम कर रहा हूँ। हाँ तो खाने में थोड़ा काबू रख, स्वादिष्ट खाना देखा नहीं कि टूट पड़ता है। पर ये तेरा पेट पेट है, तेरी दुकान का गोडाउन नहीं है? जो माल आया वो घुसा दो, एक बॉक्स पे दूसरा बॉक्स ठूस दो। नहीं नहीं, अगली बार ध्यान रखूंगा बाबूजी। तूने दाल ढोकली खाई कि दाल चिल्लर? दाल ढोकले बापूजी। इसकी आवाज थी बापूजी। अरे भाई बस शांति, क्या है ये सब? हो भी क्या, आप सब लोगों ने एक जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? मम्मी पापा दादाजी, हमारा येलो ग्रुप स्कूल की तरफ से डोनेशन जमा कर रहा है। किस बात का डोनेशन? दादाजी, हमारे स्कूल ने प्रोजेक्ट रोशनी नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। हैं? प्रोजेक्ट का नाम से प्रोजेक्ट चालू किया है? क्या मतलब? टप्पू बेटा, तुम्हारे पापा को कुछ पता नहीं चला, जरा ठीक तरह से समझाओ। अच्छा, आपको समझ में आ गया है? नहीं, मेरे भी समझ में नहीं आया, तो मुझे भी समझाओ। समझाता हूँ मम्मी, ये जो प्रोजेक्ट रोशनी है वो जरूरतमंद अंधे बच्चे जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, उनकी आंखों का ऑपरेशन करवा के उनकी आंखों की रोशनी फिर से लौट आती है,
ताकि वो बच्चे भी हम सभी की तरह पढ़ लिख सके और हमारी तरह इस खूबसूरत दुनिया को अपनी खुद की आंखों से देख सके। वाह 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 बच्चों, तुम सब लोग तो बहुत भलाई का काम कर रहे हो। थैंक यू दादाजी। जेठिया डोनेशन दे दे। जी बापूजी, मैं पर्स लाना था। हाँ। मेरा पर्स। हाँ। मिनिमम कितना देना है बेटा? पापा 100 रुपया। हाँ ठीक है, तो मेरा 100 रुपया लिख ले। एक काम कर बेटा, मेरी तरफ से भी 100 रुपया लिख ले। ओके दादा। ये लीजिए। ठीक है टप्पू, तो 100 रुपया मेरे नाम से और 100 रुपया बापूजी के नाम से। तो टप्पू के पापा मेरे नाम से भी 100 रुपया लिखवा दीजिए ना। हाँ ठीक है, चलो 100, 100, 100, 300। क्या अंकल, सिर्फ 300 रुपए? तो कितना, 3000 दो? अरे अंकल हाँ 3000 दो ना। अरे आपसे ही बोरी कर रहे हैं। अरे देखो डोनेशन में कभी किसी से जबरदस्ती नहीं करते बेटा। हाँ फ्रेंड्स, टीचर ने भी यही कहा था। जो हाँ बच्चों, इस कार्य में जो जितना भी दे ले लेना चाहिए। जी दादाजी। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू दादाजी। चलो थैंक यू, थैंक यू, बाय। चल जेठिया। हाँ बाबू जी। कहाँ? अरे मैं सोने जा रहा हूँ। ओह अच्छा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबू जी। चल जेठिया। हाँ बाबू जी। कहाँ? अरे मैं सोने जा रहा हूँ। ओह अच्छा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबू जी। बहुत मस्ती है ना? क्यों? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? मेरी दाल ढोकली, तूने दाल ढोकली बनाई। इतना स्वादिष्ट खाना तू कैसे बनाती है? इन खूबसूरत हाथों से। अच्छा देखो जरा ये खूबसूरत हाथ। पापा। मम्मी। हाँ हाँ बेटा। मम्मी पापा कहाँ गए? बेटा क्या हुआ बेटा? पापा ये डोनेशन की रिसिप्ट देना भूल गया था, ये लीजिए। अरे बेटा एक ही घर में रहते हैं, कल दे देता। नहीं नहीं पापा नहीं, दादाजी हमेशा कहते कल करेशो आज कर, आज करेशो अब। ओके गुड नाइट। अरे पापा अभी गुड नाइट का, अभी तो पूरी सोसाइटी में से डोनेशन जमा करना है। जा जा जा, फर्क करो डोनेशन, चलो चलो चलो। बाय। ओके बाय। दया दया, दरवाजा खोले। दया दया, ये मस्ती बहुत महंगी पड़ेगी। टप्पू 300 तो 300, बोनी बहुत अच्छी हुई है। चलो मेरे घर पर। नहीं नहीं पहले मेरे घर पे चलते। नहीं सोनू पहले मेरे घर। गोली पहले गोली गोली, लेडीज फर्स्ट। सोनू चल तेरे घर पे चलते। थैंक यू टप्पू। क्या है ना कि अगर बाबा सो गए ना तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ी नहीं बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ चलो फ्रेंड्स, चलो चलो फ्रेंड्स। Hey! Thank you. अभी गाना गाने मना कर दिया तो बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रही है। क्या कर रही हो माधवी, क्यों बजा रही हो बैकग्राउंड म्यूजिक? मैं कहाँ म्यूजिक बजा रही हूँ अभी? कमाल है। अरे अरे क्या हो रहा है? गोलियां क्यों इतना शोर कर रहे हो? वो भी इतनी रात को। पता है ना
रात को 10 बजे के बाद जो भी साउंड पोल्यूशन करता है वो गुनाह के पात्र होता है। भीड़ अंकल, 10 बजने में भी आधा घंटा बाकी है, वो देखो। अरे आवाज मत करो, आवाज मत कर, अरे आवाज बंद करो। भीड़ अंकल, साउंड पोल्यूशन। और सोनू, तू इस वक्त यहाँ पे इन लोग के साथ क्या कर रही है? यहाँ क्या कर रही है मतलब? भीड़ अंकल, सोनू भी यहीं पर रहती है ना? मेरा मतलब है इन लोग के साथ तुम क्या कर रही हो सोनू? तुम्हारा होमवर्क हो गया? बाबा, हम सबका होमवर्क हो गया है, अब हम सोशल वर्क करने निकले हैं। कौन सा सोशल वर्क? हमारी स्कूल में एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट रोशनी। तो ये क्या है, बांधगढ़ है? भीड़ अंकल, मैं आपल्याला सविस्तर समझावतो। अरे वाह, चक्कू मराठी में। बोल बाळा बोल। थैंक यू माझी आंटी। ओ, कोई जरूरत नहीं टप्पू। सोनू, तुम बताओ कि ये सब क्या है? बाबा, प्रोजेक्ट रोशनी जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए है, और हमारी स्कूल उन बच्चों के लिए हमसे डोनेशन इकट्ठा करवा रही है, और जितने भी पैसे जमा होंगे उन पैसों से उन बच्चों की आंखों का ऑपरेशन होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा सोशल वर्क कर रहे हो तुम लोग बेटा। अरे वाह, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप। मैं तो कहता हूँ समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को सोशल वर्क करना ही चाहिए। तो भीड़ अंकल, आप भी दिल खोल कर डोनेशन दीजिए। हाँ भीड़ अंकल, ऊपर वाला भी दिल खोल कर आपके स्टूडेंट सबल कर देगा। गोया। भीड़ अंकल, आपका कितना लिखो डोनेशन? नहीं नहीं, मैं डोनेशन दूंगा, लेकिन इसकी कुछ रिसीट विसीट मिलेगा कि नहीं? हाँ है ना, ये देखिए जरा। भीड़ अंकल रिसीप्ट बुक ऐसे चेक कर रहे हैं जैसे होमवर्क चेक करते हैं। काय फुट फुटला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। भीड़, हाँ मतलब मिनिमम डोनेशन 100 रुपया है। ऐसा कुछ नहीं है भीड़ अंकल, आपको चाहिए तो आप 500 भी दे सकते हैं। गोड़िया, जब जेठालाल जैसे व्यापारी ने 300 रुपये डोनेशन दिया है, तुम एक शिक्षक से 500 रुपये मांग रहे हो? हाँ गोली, अगर भीड़ अंकल को डोनेशन में 1000 रुपये देने, तो तू 500 क्यों मांग रहा है? बराबर है, सॉरी। ये टप्पू, नहीं नहीं, इससे बहस करने जैसा तो है ही नहीं। सॉरी भीड़ अंकल, सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। हमारी टीचर ने कहा है कि किसी से भी जबरदस्ती मत करना। जो जितना डोनेशन दे उतना खुशी खुशी ले लेना। तो आप भी हमें जितना डोनेशन देंगे हम लोग खुशी खुशी ले लेंगे। वेरी गुड, ये लो मैं देता हूँ डोनेशन। ये लो 100 रुपया। थैंक यू भीड़ अंकल। 100 रुपये की रिसीट फाड़ना, ये लीजिए। वाह 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 माधवी, टप्पू सेना बहुत अच्छा काम कर रही है। वेरी गुड वेरी गुड। मित्रों, टप्पू सेना ने घर घर जाकर प्रोजेक्ट रोशनी के जरिए नेत्रहीन बच्चों के आंखों के ऑपरेशन के लिए डोनेशन जमा करने का बीड़ा उठा लिया। भाई ये देख के मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। स्कूलों में जब हम भी छोटे थे तब इस तरह की चीजें किया करते, तो इस तरह की चीजें करने से लीडरशिप की क्वालिटीज पैदा होती है, बचपन से ही समाज के प्रति कुछ करने का जुनून पैदा होता है। लेकिन हमेशा जिद, जोर जबरदस्ती और शरारत करने वाला टप्पू अचानक सज्जन हो गया है, डोनेशन के लिए भी सबसे प्यार से पेश आ रहा है। अब देखना यह है कि भाई बिना जिद किए हाथ जोड़ के ये डोनेशन का टारगेट पूरा होता है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ये जो टप्पू अभी एकदम शराफत से पेश आ रहा है कहीं फिर से शरारत ना करने लगे, और अगर फिर से शरारत करने लगे तो टप्पू सेना नया क्या गुल खिलाएगी गूगल धाम में, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।